यार पापा का ट्रांसफर जब से इस गांव में हुआ है ना, सच में मेरा यहाँ पे बहुत मन लगता है। चारों तरफ पेड़ पौधे, बहुत ही पीसफुल माहौल है यहाँ। आई लव इट। तेरी क्या लड़का है यार, और क्या रोकता है बाइक। अरे लड़कों को ऐसे पीट रहा है ना यार, क्या बताऊं तुझे। यार मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ, वो जा रहा है। अरे वो हैंडसम, अरे रुक जा। क्या आप मुझे गांव तक छोड़ देंगे? थैंक यू। ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। हो ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। हमने तो इतना देखा, हमने तो इतना सीखा, दिल का सौदा होता है सौदा जिंदगी का। इतना देखा हमने तो इतना सीखा, दिल का सौदा होता है सौदा जिंदगी का। मिलते ही कैसे कोई होता है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। लोकेश तुम्हें पता है, जब तक मैं शहर में थी ना, मुझे लगता था कि गांव में तो कुछ भी अच्छा नहीं होता होगा, वहाँ के लोग भी अजीब होंगे। लेकिन तुमसे मिलने के बाद पता चला कि यहाँ पे सब कुछ कितना अच्छा है। अरे प्रगति एक बात बोलूँ, देसी घी और देसी छोरे की बात तो कुछ और होगा। मैं हमेशा यही रहना चाहती हूँ। ये तो चल गया मेरा तने। हाँ पहले कभी गांव में नहीं रही हो तो यहाँ मन लग रहा है ना? हाँ जी, मेरा तो खूब मन लग रहा है। इनफैक्ट मुझे आपको कुछ बताना भी था। हाँ बोलो बेटा। एड एक लड़का है, मुझे पसंद है और मैं उसे आपसे मिलवाना चाहती हूँ। कौन है? जय हिंद जनाब। जय हिंद सर। जिसके एनकाउंटर के लिए आपको बुला उसका फोटो आ गया सर। दिखाओ सर। लोकेश भारद्वाज इसका नाम है और सर इसका एनकाउंटर करने के बाद आप फ्री हो सर। ठीक है तुम जा सकते हो। जय हिंद जनाब। ये तो वही लड़का है, इससे मैं प्यार करती हूँ और इसी से शादी करना चाहती हूँ। क्या बात कर रही हो? हाँ डैड। तुम जानती हो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है? मुझे कुछ नहीं पता, मैं इसी से शादी करूंगी और आप इसे नहीं मार सकते। तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानती बेटा, तुम जाओ अंदर। लेकिन डैड। तुम जाओ अंदर। मेरे घर तक पहुंच गया साला, अब तो इसे जल्दी मारना पड़ेगा। लोकेश, लोकेश, तुम्हारे घर से क्या हुआ आज?
हवलदार आया था तुम्हारी फोटो लेकर और मेरे पापा को फोटो दिखाकर बोल रहा है कि तुम क्रिमिनल हो, गुंडे हो। तो मैडम गुंडा किसा बोल दिया तू? देख लिया कौन है वो? पूरे गांव की जमीन वापस करवाने वाला इंसान है ये। प्रधान को इसलिए मारा था इसने, गुंडा बोल दिया है, और अब उसके भाई को मारेगा जो बाकी जमीन है ना वो वापस कराएगा। गुंडा बोल दिया है, गुंडा बोले जा रही है। हाँ प्रगति, मैंने उस प्रधान को मारा है और उसका एक छोटा भाई जिंदा है, उसे और मार के मैं गांव वालों की सारी जमीन के वापस करके फिर मैं सरेंडर कर दूंगा पुलिस वालों को। जब तुम्हें पता है फिर भाग क्यों नहीं जाता? क्यों? क्योंकि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ प्रगति, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ, लेकिन बताने से डरता हूँ यार, कहीं तुम्हें खो ना दूं। ना ही तो मेरी शाम का पता, ना ही मेरी सुबह का पता, ना ही कोई मेरे आगे पीछे रोने वाला। अच्छा, यहाँ छुपा बैठा है तू? अरे डीएसपी साहब, यहाँ कैसे आना हुआ? तुझे मारने आया हूँ। नहीं पापा, आप इसे नहीं मारेंगे, ये सुधर जाएगा, ये सब कुछ छोड़ देगा पापा। बेटे, कुत्ता कभी मुंह मारना नहीं छोड़ता, इसे आज मरना ही होगा। यही है, इसने इतने सारे खून बहाए हैं। डीएसपी साहब, कुत्ता ही हूँ मैं, कुत्ते की तरह वफादार हूँ, और जिन्हें आप निर्दोष कह रहे हैं ना, उन्होंने हजारों गांव वालों की जमीनें कब्जा ली हैं, और कितने निर्दोषों को मारा उन्हें आपको पता है? और हाँ, मैं अपने गांव वालों की जब तक जमीन वापस नहीं दिला लेता ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आपको मेरे को गोली मारनी तो बेशक मार दो। राम राम लड़ले भाइयों, भाई थारे भाई की वीडियो तुमने किसी लागे नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइयो भाई लिख के, और भाई वीडियो का तुमने कौन सा पार्ट बेस्ट लागे हो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताओ, और भाई अगर वीडियो का तुमने सेकंड पार्ट देखना है तो भाई कम से कम 100,000 लाइक जरूर दियो, और भाई अपने छोटे भाई के चैनल सब्सक्राइब करना मना भूलियो। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।